जिसे समझा था हत्यारा वह निकला निर्दोष। हत्यारा निकला इटली बेचने वाला युवक शुभम साह। बिना जुर्म के बदनाम हुए कमल चौरसिया ने अदालत से जमानत मिलने पर किया घटना का खुलासा। श्रीरामपुर थाना अंतर्गत प्रभास नगर इलाके में श्री शिव हिंदी स्कूल के नज़दीक हुए हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल पुलिस ने शक के बिना पर जिस शख्स को गिरफ्तार किया था वह असल में निर्दोष निकला। इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने रेणु साव हत्या मामले में रिश्रा के संध्या बाजार इलाके में स्थित भोजपुरी पान भंडार के संचालक बिना पर गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में यह पता चला कि हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त कमल चौरसिया नहीं बल्कि कोई और है। पुलिस किसी तरह से हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त शुभम साव तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे रिमांड की अर्जी के साथ श्रीरामपुर महकमा अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने मुख्य अभियुक्त को 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस पूछताछ में शुभम ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने कहा कि कुछ रुपयों के लिए उसने महिला रेणु साव की हत्या की। क्या हुआ था, पुलिस आपको महिला हत्याकांड में पकड़ के ले गई थी, फिर आप कोर्ट से रिमांड पे? उस दिन हुआ था क्या कि कुछ कपड़ा महामारी का हमारे घर में बरामद और कुछ होली का रंग का कपड़ा बरामद हुआ था। इसके आधार पर उनको पुलिस लेकर गई थी पूछताछ के लिए। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको रिमांड पर हमको बेल जमानत कर करके छोड़ दिया। आप इसमें शामिल थे कि नहीं थे? वहाँ पर कोई चीज़ को दूर से कोई रिलेशन नहीं है। आप पे आरोप लग रहे थे कि आप कुछ पैसा कर्ज पे लिए थे, ये सब गलत बात है। अच्छा, सब अफवाह का बात पर हुई। पुलिस ने आपको सहयोग किया? फुल सहयोग किया। आपको कोई अत्याचार तो पुलिस की तरफ से नहीं हुआ? नहीं हुआ। और रामपुर थाना को हम बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपका नाम बता दीजिए? कमल चौरसिया। मेरा दुकान का नाम भोजपुरी पान दुकान। हम अपने पान बेचने वाले नागरिक हैं, अच्छी नागरिक के साथ में हम रहते हैं, अच्छी नागरिक अच्छे विचार के साथ चलते हैं। धन्यवाद।